नहीं, जैसा कि आप मीडिया के सभी दोस्तों को मालूम है, इन्होंने आर्य समाज में शादी की थी और आर्य समाज मंदिर में शादी करने का बहुत ही क्लियर एक मीनिंग निकलता है कि इन्होंने अपने परिवार की सम्मति या सहमत के साथ शादी नहीं की थी। सर, जब फैमिली का केस मर्डर केस नहीं है तो अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? अरेस्ट करना पूर्ण एविडेंसेस के बेस पे होता है। जब तक कोई प्रारंभिक एविडेंसेस प्रमाण इनके खिलाफ नहीं होंगे तब तक किसी व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। हम इसी इन्वेस्टिगेशन में प्रमाण और एविडेंसेस जुटा रहे हैं। जैसे ही एविडेंसेस कुछ हमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। किस आधार पर उसका नाम जोड़ा गया है, ये आधार बताएं आप? पारस की फैमिली की ये एलिगेशन थी, उसी एलिगेशन के बेसिस पर ये FIR लॉन्च की गई थी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में गर्ल्स की फैमिली पे ये एलिगेशन लगाया था कि उन्हें संदेह है कि उनकी बेटी की हत्या उन्होंने की है। इसी आधार पर FIR लॉन्च की गई और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। रेलवे ट्रैक पर किसी ने देखा घूमते हुए किसी का संदिग्ध किया? इस बारे में हम ट्रेन के ड्राइवर से भी बातचीत करेंगे। हमने जो ट्रेन उस टाइम पर गुजरती है आइडेंटिफाई कर ली गई है। जल्द ही सभी ड्राइवर्स जो उस पैसे से गुजरती हैं उनका बयान लंबन किया जाएगा और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ठीक है, शैली के ऊपर कोई दबाव था शादी करने के लिए इस बारे में? मैं सर बुलाया गया था इसे कॉल नहीं बताया सर कि फैमिली मेंबर नहीं, इनके मोबाइल एनालिसिस में कोई ऐसी कॉल नहीं मिली है पारस की। लास्ट कॉल जो थी वो इसके दोस्त की थी, उनसे हमारी बातचीत हो गई है। अभी उनका बयान भी दर्ज हो रहा है, बट ऐसे अनजान व्यक्ति की कोई भी कॉल इनके मोबाइल पर रिसीव होना इनकी कॉल डिटेल में नहीं पाया गया है। सर, फैमिली पारस की फैमिली लगातार एलिगेशन लगा रही है कि पुलिस मित्तल परिवार को छोड़ने के उद्योग में लग रही है, क्या कहना है? हम इन्वेस्टिगेशन मैंने पहला जैसा कहा है एक हत्या के मामले की तरह कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रमाण आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। हम पूर्णतः इम्पार्शल इंडिपेंडेंट थोरो प्रोब इस केस के अंदर होगी।